हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रानोजिन क्लासेस। आज है 1 फरवरी, तो हम 1 फरवरी तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें टॉप 30 करंट अफेयर जो भी जनवरी माह तक बनते हैं सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ज्ञानार्जन क्लासेस के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की है? आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर में चक्रवात डायना से प्रभावित लोगों को राहत और मानवीय सहायता के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? आंसर है महात्मा गांधी। 72वीं पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया है 30 जनवरी 2020 को। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में। ये आयोजन TERI द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ी मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में भी कहाँ? राजधानी हैदराबाद में काना शांति वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा गति पोर्टल को लॉन्च किया गया है? आंसर है नितिन गडकरी द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाल ही में भुवन पंचायत V3 वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? आंसर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? आंसर है भुवनेश्वर। वर्तमान में रेल मंत्री है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? आंसर है असम। बांस व बैंत को यूज करते हुए ये झांकी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड किसे चुना गया है? आंसर है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिव भोजन योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य है गरीबों को मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस व्यक्ति की आत्मकथा रिलेंटलेस का विमोचन हुआ है? आंसर है यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की 155वीं जयंती कब मनाई गई है? आंसर है 28 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? आंसर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्ध पोत को सेना में शामिल किया जाएगा? आंसर है INS करवती को। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्ट्रिंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आंसर है 3 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता कानून CAA के खिलाफ प्रस्ताव को पारित करने वाला 4था राज्य कौन बना है? आंसर है पश्चिम बंगाल। पहले 3 राज्यों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव को पास किया था, राजस्थान, केरला और पंजाब। अभी लेटेस्ट पश्चिम बंगाल ने भी CAA के खिलाफ प्रस्ताव को पास किया है। क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22 है, T20 में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा 1126 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर है विराट कोहली। पहले यह आंकड़ा महेंद्र सिंह धोनी का था 1112 रन के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, 11वीं डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है लखनऊ। 5 फरवरी से इसका आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में केंद्रीय आंचलिक परिषद की 22वीं बैठक किस शहर में की गई है? आंसर है रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसके तहत चार जगह आती है, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, छत्तीसगढ़। अध्यक्षता की थी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। यदि आप सभी राज्यों की मोर डिटेल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर सभी राज्यों की डिटेल आसानी से देख सकते हैं विद मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब का शुभारंभ हुआ है? आंसर है केरला, केरला के कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया गया है? आंसर है गीता सबरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार स्मार्ट सिटी पर अपना रिपोर्ट कार्ड कब जारी करेगी? आंसर है जून 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है नरेंद्र मोदी द्वारा। ये आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। हाल ही में गुजरात को आलू उत्पादन क्षेत्र में पहला राज्य घोषित किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित किया गया है? आंसर है नेपाल। ये रिकॉर्ड सबसे अधिक ऊंचाई पर किए जाने वाले फैशन शो के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, जो भी शेयर करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आगे और ऐसे ही एक और अच्छे वीडियो के साथ।